देशभक्ति जनसेवा का संकल्प लेने वाली पुलिस की ईमानदारी का एक चेहरा हम आपको दिखाते हैं। दरअसल जबलपुर की एक बस में एक महिला अपना बैग भूल गई थी। वह बैग भूलने के बाद अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद पता चला कि उसका गहनों और रुपयों से भरा, कपड़ों से भरा एक बैग बस में छूट गया है। उसने तत्काल ही पुलिस को इस मामले की सूचना दी। तत्काल ही एक आरक्षक इस काम में लग गया, उस बस को रोका गया। बस को रोके जाने के बाद वह बैग वह लेकर के संबंधित महिला के घर पर पहुंचा और उसे बैग सौंपा गया। साथ ही उसमें मौजूद सामग्री के विषय में भी उसने जानकारी दी और जानकारी देने के बाद, बैग सौंपे जाने के बाद क्या कहा आरक्षक ने, आइए आपको सुनाते हैं। सामान वामान निकाल लो, निकाल के देख लो आप सब। नहीं नहीं, क्या है, अच्छा रहता है, ऐसा ना हो कि निकाल लिया किसी ने या कुछ, ये हमारे पास लाए थे तो। महिला वो फोन लगा के पूछ लो क्या कर रखा था कहाँ पे, और वो सब आप चेक कर लो, ठीक है। ऊपर लाल साड़ी थी, क्यों फिर उसके बाद जी सब जमा है। ये क्या डब्बा में है सर? प्लास्टिक का डब्बा। हाँ हाँ ठीक है, देखो सोना चांदी रखो ये बीच में। वही कह रहे हैं महिलाओं के जाते हैं, वही तो 2.5 लाख को सामान। अभी पिछले साल तो शादी का सोच लो, ये में रखो तो पूरे में रखो। देखो क्या नाम भैया आपका? हमारा की रसिंग राज। कहाँ पर रहते? पीड़ोड़ी में है। अच्छा चलो, उनको उसका दे दिया ना, वो आया था। हाँ दे दिया। ठीक है, तो वो हमने बैग खुलवा के उसमें देखा तो उसमें 2.5 लाख के जेवर और कुछ नकदी रुपए थे, जो सभी को दिखा के उनको वापस किया। कैसे जानकारी मिली थी आपके लिए? उसमें बैग खोला अपन ने, बैग रह गया था उनका, तो वहाँ पता साजी किया तो एक बैग लेके चला गया था, एक दूसरा वैसे ही बैग था तो बैग लेके चला गया था, तो उसको अपन ने दूसरी बस में जबलपुर नाके पर पकड़ लिया था और उसको लेके आए। तो उनकी तरफ से फिर उन्होंने कहा बैग वापस कर दूँ, कोई कार्रवाई नहीं चाहती, और उनका सामान जो करते हैं सब मिल गया था। कैसा लगा आपके लिए? जी बहुत अच्छा, थैंक यू।